दोस्तों अगर आप भी Realme का 6 और 6i डिवाइस यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खबर निकल के आ रहा है। इस दोनों डिवाइस के अंदर दोस्तों Realme ने एक नया सा सिक्योरिटी पैच अपडेट को रिलीज कर दिया है। अगर आप अपने फोन के अंदर सेटिंग में सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करते हो तो यहाँ पे आपको एक नया सा सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। इसका वर्जन नंबर अगर आप लोग गौर से देखो तो C.16 नाम से देखने को मिलेगा। ये दोस्तों इस साल का सबसे लास्ट अपडेट आपको Realme की तरफ से मिला है इन दोनों डिवाइस के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इस अपडेट को करने के बाद आपके फोन के अंदर एंटूटू बेंचमार्क स्कोर कैसे चेंज होगा, कैसे दोस्तों आपके डिवाइस के अंदर नए नए फीचर्स को जोड़ दिए जाएंगे, वैसे इस डिवाइस के अंदर आपको कुछ नए नए फीचर्स इस अपडेट के बाद भी देखने को मिलेंगे, उन सारे अपडेट के बारे में हम आज लास्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास Realme का 6 और 6i डिवाइस है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का एपिसोड आपको सबसे पहले हमारी तरफ से मिलते रहे। सो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं तो आपको दिखाऊंगा ये जो अपडेट है, सबसे पहले सेटिंग में आपको चले जाना पड़ेगा, इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है। यहां पे आके आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपडेट का साइज आप लोग देख लो, ये आपको 86.05 MB का देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ अगर बात की जाए यहां पे फीचर्स के बारे में तो चेंज लॉग के अंदर आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, वही सिस्टम स्टेबिलिटी और सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट यही चीज दोस्तों कंपनी की तरफ से बताया जाता है। हालांकि ये किस महीने का अपडेट है इसके बारे में अभी तक कोई चीज यहां पे हमें बताया नहीं गया। बाकी दोस्तों इस अपडेट के और भी फीचर्स के बारे में बात करें वो तो मैं आपको अपडेट के बाद ही बता पाऊंगा। अभी दोस्तों इसका जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है अपडेट से पहले का वो मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूं। मैंने पहले से ही यहां पे टेस्ट करके रखा था, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों 3D एंटूटू बेंचमार्क स्कोर के अंदर इसका जो स्कोर निकल के आया है वो है दोस्तों 305,512 का। इसके बाद दोस्तों जो हम लोग अपडेट करेंगे उसके बाद भी एंटूटू बेंचमार्क स्कोर को हम लोग चेक करेंगे। साथ ही साथ बहुत ही सारे और भी फीचर दोस्तों इस अपडेट के अंदर जुड़े जाएंगे, उस सारे फीचर्स को आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। सो वीडियो शुरुआत करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये जो अपडेट है इसको सबसे पहले कर लेते हैं। अपडेट करने से पहले अपने फोन को 70% से ऊपर में चार्ज में रखना, नहीं तो आपका फोन क्रैश रूट होकर डैम भी हो सकता है, ये चीज ध्यान में रहे। और चलिए बिना देर किए इसका अपडेट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमने हमारा जो ये अपडेट है सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया हमारे फोन के अंदर। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज टेस्ट करके देखा, वो है एंटूटू स्कोर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले का जो एंटूटू स्कोर था मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था ताकि फिर से आपको मैं दिखा पाऊँ। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो एंटूटू स्कोर था इससे पहले का अपडेट से पहले का 305,512 था। अभी मैं अगर एंटूटू बेंचमार्क स्कोर को जाके चेक करूं, मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी, यहां पे देख सकते हो हमारा जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है ये दोस्तों 300,000 का हो चुका है। ठीक है, तो यहां से पता चलता है ये जो अपडेट है ये दोस्तों हमारा जो फोन का परफॉर्मेंस है इसको थोड़ा बहुत डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, यहां पे डिफेक्टेड यह है देख सकते हो दोस्तों, 5% यूजर्स को यहां पे डिफेक्टेड हुआ है। एंड साथ ही साथ यहां पे 305,000 से इसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर घटके हो चुका है 300,000 का, ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों। थोड़ा सा इस परफॉर्मेंस को आपको माइनर से यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा बिकॉज इस अपडेट के बाद से आपके फोन के अंदर थोड़ा सा परफॉर्मेंस यहाँ पे स्लो देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए बैटरी ड्रेनिंग का तो मैं जब अपडेट कर रहा था मेरे फोन के अंदर 79% चार्ज था, अभी देख सकते हो 70% हो चुका है ड्यूरिंग अपडेट टाइम एंड एंटूटू बेंचमार्क स्कोर टेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे ये सारी चीज आपको सबसे पहले तो मैंने दिखा दिया, इसके बाद मैं डायरेक्ट चलता हूँ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सिस्टम अपडेट सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। यहाँ पे अगर टैप करता हूँ देख सकते हो हमारे फोन के अंदर रियलमी 2.0 के अंदर ये जो है C.16 नाम का जो अपडेट है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है फाइनली। ठीक है, अभी बात करते हैं अपडेट के बारे में और लास्ट में एंड्रॉइड 12 के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही सारे लोग बोलते हैं इसमें एंड्रॉइड 12 आएगा कि नहीं। ठीक है, और अभी सबसे पहले जो फीचर है वो आता है हमारे फोन मैनेजर के अंदर। फोन मैनेजर में आपको
ऐप इन्फो में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोन मैनेजर का जो वर्जन है देख सकते हो 8.8.0 जो कि लेटेस्ट इंडियन वर्जन है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, ओपन करने के बाद फाइनली आप लोग देख सकते हो इस अपडेट के अंदर फाइनली रियलमी ने अपना वायरस स्कैन वाला ऑप्शन और पेमेंट प्रोटेक्शन जो भी आप बोल सकते हो वो दोस्तों यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे प्राइवेसी परमिशन, क्लीनअप, स्टोरेज सारा कुछ अवेलेबल हो चुका है जो कि पहले से हमें नीड था। फाइनली इस अपडेट के बाद दोस्तों रियलमी ने यहाँ पे दे दिया, देख सकते हो यहाँ पे वायरस स्कैन भी हो रहा है हमारा सक्सेसफुली, ठीक है। अभी मैं एग्जिट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो ऊपर में आपको दो डॉट देखने को मिलता है यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर चलते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे दो चीज देखने को मिल जाता है, वो है AVL और 360, ठीक है। पहले Tencent था, अभी ये जो दोनों है AVL और 360 ये आपको देखने को मिल जाता है। इन दोनों से आप लोग वायरस स्कैन आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। फाइनली दोस्तों वायरस स्कैन और अपना जो प्राइवेसी परमिशन है ये दे दिया, क्लीन अप स्टोरेज से आप लोग आराम से इसको क्लीन भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा है मुझे इस अपडेट के अंदर इसका नीड था। इसके बाद मुझे कुछ माइनर से फीचर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, वो है दोस्तों कॉन्टैक्ट जो एप्लीकेशन है ना अपने फोन के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको ये जो वर्जन है ये चेंज देखने को मिला है 4.4.5.0 का, ठीक है। यहाँ पे ये जो अपडेट आया है इसके बाद से कॉन्टैक्ट का भी यहाँ पे वर्जन चेंज हो चुका है। इसके बाद अगर बात की जाए सेटिंग के अंदर जाके नीचे में रियलमी लैब में अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ खास चीज और देखने को नहीं मिलता है, वही सारी चीज है स्लिप कैप्सूल और स्मूथ स्क्रोलिंग जो कि आपको मिलता था। इसके अलावा दोस्तों अगर बात जाए दूसरे कुछ फीचर्स के बारे में तो अभी तक मुझे यहां पर नया कुछ फीचर देखने को इस डिवाइस के अंदर नहीं मिला है। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पे हमारे फाइल मैनेजर के अंदर, तो फाइल मैनेजर का ये इंटरफेस आप लोग देख सकते हो, इस इंटरफेस को कैसे मैंने डाउनलोड किया, फाइल मैनेजर को कैसे मैंने यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लीनअप भी आपको दिख रहा होगा। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों आपके फोन के अंदर का जो स्पेस है उसको क्लियर कर सकते हो। फाइल मैनेजर को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे आपको इसका फाइल लिंक देखने को मिल जाएगा। ये लेटेस्ट वाला आपको फाइल मैनेजर देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसका वर्जन नंबर चेक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है 12.2.2 वर्जन नंबर के साथ आता है, बहुत ही अच्छा यहाँ आपको फाइल मैनेजर ये देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे कुछ चीजों के बारे में तो बैटरी परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे आपको कुछ अभी ड्रेन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बैटरी परफॉर्मेंस है आपका बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ड्रेन होता हुआ अभी आपको दिख जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो बैटरी परफॉर्मेंस है मुझे यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं लगा है। अदरवाइज दूसरे अपडेट के बारे में हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को बैटरी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एंड्रॉइड 11 के बारे में, तो यहाँ पे अबाउट फोन के अंदर हम लोग अगर चलते हैं देख सकते हो मेरा Realme 6 डिवाइस है और यहाँ पे वर्जन 2.0 चल रहा है। एंड्रॉइड 11 के अंदर भी अभी तक एंड्रॉइड 11 ही आपको दिख रहा होगा, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे जो एंड्रॉइड 12 है वो कब तक देखने को मिलेगा, टाइमलाइन कैसा रहेगा, वो हमें अभी तक Realme की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है जुलाई महीने तक, नेक्स्ट साल के जुलाई महीने तक आपको ये जो एंड्रॉइड 12 के अपडेट के बारे में कुछ ना कुछ इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये जो सिक्योरिटी पैच था 5 नवंबर का ही दिखा रहा है, देख सकते हो फिलहाल ये दिसंबर महीने में हम लोगों ने अपडेट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो अपडेट आता है Realme 6 में कब आता है। वैसे Realme 6 का बहुत ही ज्यादा डिले होकर अपडेट चल रहा है। फिलहाल दोस्तों इस अपडेट के अंदर इतना ही था। मेरे को सबसे खराब लगा है कि AnTuTu बेंचमार्क स्कोर जो है ना ये दोस्तों डिक्रीज हो चुका है, ये चीज मुझे सबसे खराब लगा। मेरे पास 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, जैसे कि देख सकते हो AnTuTu बेंचमार्क स्कोर वगैरह अभी दोस्तों पूरा डिक्रीज हो चुका है। फाइनली दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा लगा है, बिकॉज नया अपडेट आया था बट बहुत ही छोटा सा अपडेट था। एक छोटा सा रिव्यू वीडियो आपको मैंने बना के देने का कोशिश किया। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके पास Realme का 6 और 6i डिवाइस है तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज हमारे चैनल में इस डिवाइस के बारे में सारे वीडियोज और इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। तो गाइस आज का वीडियो मैं करता हूँ यहाँ पे खत्म। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।